हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक थ्री डाउन में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पबजी अनबैन कब होगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो हम पहले बात करते हैं कि पबजी बैन इंडिया में क्यों हुआ। यानी कि आप देखिए कि पबजी बैन इंडिया में हुआ इस कारण क्योंकि उस पर एलिगेशन है कि वो हमारे इंडियंस यानी कि हमारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को देता है। हालांकि पबजी चाइनीज़ कंपनी का नहीं है, लेकिन वो जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है यानी कि टेंसेंट, इस कारण के लिए उसे अनबैन किया गया है। अगर हम बात करें कि पबजी अनबैन होना क्यों चाहता है इंडिया में और क्या लॉस हो रहा है उसे पबजी इंडिया में बैन होने के कारण, इसका सिंपल सा रीज़न है कि पबजी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कोई पबजी के बारे में बात करता है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं पबजी के। लेकिन अगर इसके रूट में जाए तो पबजी इंडिया से हर एक दिन 2-3 करोड़ से ज़्यादा कमाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा है ये। और अगर वो अनबैन जल्द ही नहीं हुआ तो उसका कितना ज़्यादा पैसा लॉस में जाएगा। हालांकि ये तो सिंपल है कि वो चाहेगा वो अनबैन हो, इसलिए पबजी मोबाइल अपना पूरा ट्राई कर रहा है कि वो इंडिया में वापस आए। तो उसे वापस आने के लिए अपना पार्टनरशिप टेंसेंट से तोड़ कर किसी और कंपनी के साथ करना होगा। तो ये गेम लॉफ्ट या और भी बहुत सारे कंपनी से उसके साथ, सुपरसेल या फोर्टनाइट, बहुत सारे उसके साथ वो कर सकता है। अगर डेट के बारे में बताएं तो बहुत सारे लोगों का या स्पेशलिस्ट लोगों का मानना है कि ये दिसंबर से जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है। तो अगर जब भी अनबैन होता है हम आपको हमारे चैनल में बता देंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।